नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, राम राम जी। मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, कोरोना वायरस में बहुत सेफ होंगे। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और उसके पहले जो मेरे वीडियो में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पुराने फ्रेंड हैं, जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को, चलिए मैं बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आज यही रेसिपी बनाऊंगी। तो सब्जी, तो ये देखिए वो मैं कटोरा में रखी हूँ, चना का दौरी है, हम लोग दौरी बोलते हैं। और आलू और दो बैंगन और प्याज है और एक टमाटर है। तो ये सारे चीज़ को मिलाकर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा कैसे मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं सारा सामग्री यहाँ पर काट ली हूँ, बैंगन, प्याज, टमाटर, आलू। तो सबसे पहले मैं अदौरी को तेल में डालकर भून लेती हूँ। तो कढ़ाई के चूल्हे पर चढ़ा ली हूँ, तेल डाल दी हूँ और तेल मेरा गर्म हो गया है। तो मैं अदौरी को भूंज लेती हूँ। तो ये देखिए सुनहरा कलर होने तक मैं अदौरी को भून लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा अदौरी भून गया है, तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। तो निकाल कर और देखिए मैं फ़ोरन डाल दी हूँ। तो तेज़पत्ता और थोड़ा सा सरसों और जीरा, और इसे मैं थोड़ा दमदार अदौरी को मैं पीस लूँगी, भूख लूँगी सिलौटे पर। और ये देखिए मेरा फ़ोरन चटक गया, तो मैं डाल दी लहसुन और प्याज भून लेती हूँ। और उसके बाद ये मैं बैंगन डालकर भून ले रही हूँ साथ में, ताकि और आलू भी, ताकि मेरा सब्ज़ी साथ में ही मिक्स होकर साथ में भून जाए। और फिर मैं डाल देती हूँ टमाटर। तो ये देखिए मेरा, मैं साथ में ही सारी सब्ज़ी को मिक्स कर लेती हूँ। और ये मैं दमदार देखिए सिलौटे को मैं पीस ली हूँ अदौरी को, और मेरा सब्ज़ी भी इधर गल गया है, भून गया है। तो अब मैं ये देखिए मैं मसाला ले ली हूँ। तो मसाले में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो साथ में मैं डालकर और मसाले को भून लेती हूँ सब्जी में। और ये है काली मिर्च, इसको मैं कूट ली थी फल में। और अब मैं मसाले को भून लेती हूँ 5 मिनट। और अब डाल देती हूँ अदौरी को। तो ये मैं डाल दिया अदौरी को। दोस्तों आप लोग ना जाने क्या बोलते होंगे, लेकिन हम लोग तो दाल को खुला कर जो अदौरी बनाते हैं, तो इसका वीडियो मैं पहले डाल दी थी, तो मैं अदौरी बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो ये देखिए, तो नमक डालकर अब मैं चला लेती हूँ। और अब फिर डाल देती हूँ पानी। तो मेरा मसाला सब्ज़ी भून गया है अच्छी तरह से। और ये देखिए, तो अब मैं डाल देती हूँ पानी। तो ये सब्ज़ी सारे चीज़ मिक्स करके अदौरी के साथ बनाइएगा तो बहुत ही खाने में अच्छा लगता है दोस्तों, टेस्टी लगता है, चावल के साथ या रोटी के साथ। तो मैं ढक्कन लगाकर इसे पका लेती हूँ। और ये देखिए मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैं 5 मिनट में मेरा सब्ज़ी, थोड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ स्वाद के लिए। तो और मैं थोड़ा रसदार सब्जी रखी हूँ, क्योंकि मैं चावल के साथ बनाई हूँ। तो ये देखिए मेरा सब्जी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कैसा मेरा सब्जी बना, अदौरी, बैंगन, सारे सब्जी डालकर मिलाकर मिक्स कर। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो सके, मदद हो सके। और सपोर्ट कीजिए हमें भी थोड़ा।